हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने एसी सर्किट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज फ्रेंड्स हम उससे रिलेटेड डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है फ्रेंड्स? किसी धारा द्वारा एक सेकंड समय में पूरे किए गए चक्रों की जो संख्या होती है, किसी धारा द्वारा एक सेकंड समय में तय किए गए चक्रों की जो संख्या होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है? आवृत्ति होती है। अगर फ्रेंड्स को मैं समझाऊँ तो आवृत्ति क्या होती है, यानी कि किसी कोई एक आपको क्या दे रहा है, एक समय दे रखा है, निश्चित समय दे रखा है। जैसे मान लो कि एक सेकेंड समय आपके पास में, ठीक है, एक सेकेंड समय में क्या किया है। जैसे मान लो मैं ऐसी धारा की बात करूँ तो क्या होता है कि मान लो इस धारा ने क्या किया, एक सेकंड समय में क्या किया, ये चक्कर पूरे किए हैं, तो ये इसका क्या होगा, ऐसी धारा का एक पूरा क्या होगा, साइकिल होता है। तो इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। यानी कि किसी धारा द्वारा या फिर वोल्टेज द्वारा एक सेकेंड समय में, यानी कि एक सेकेंड समय होगा उसमें तय किए गए चक्कर कितना है। मान लो ये चक्कर है, ये पूरा, ये क्या है, इसका एक पूरा एक साइकिल है ऐसी धारा का, ठीक है। तो इसमें तय किए गए जो चक्कर है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर सूत्र दे रखा है एफ का, आपको फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर में वन अपॉन में टी, ठीक है फ्रेंड्स, एफ बराबर वन अपॉन टी होता है। तो फ्रेंड्स आप फॉर्मूले को ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि फॉर्मूले पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो फ्रेंड्स इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, एसआई यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी मात्रक या हर्ज होती है, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, हर्ज होती है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हर्ज नाम वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए उनके नाम से हर्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक रखा गया है, जो कि क्या एसआई पद्धति का मात्रक है। और एमकेएस पद्धति का मात्रक भी पूछ रहे तो यही होता है, ठीक है। इसका एक और मात्रक, पुराना मात्रक अगर बोला जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, साइकिल प्रति सेकेंड या फिर साइकिल बट्टा सेकेंड, ठीक है। तो इसका एक यूनिट क्या होती है, साइकिल बट्टा सेकेंड, और एसआई मात्रक क्या होता है इसका फ्रेंड्स, हर्ज होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो प्रदायित जो आवर्त होती है, यानी कि भारत में कितनी हमारे को फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो वो कितनी होती है फ्रेंड्स, 50 हर्ज होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग बताया था कि भारत में जो प्रदाय आवृत्ति होती है, यानी कि प्रदाय जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी भारत में होती है, तो वो कितनी होती फ्रेंड्स, 50 हर्ज होती है। और फ्रीक्वेंसी के मान फ्रेंड्स कभी भी चेंज नहीं होता। अगर फ्रीक्वेंसी के मान में अगर कम या अधिकता होती है तो उसका सीधा संबंध किससे होता है, हमारे उपकरणों पर, यानी कि घरेलू जो काम कर रहे उपकरण है वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं अगर 50 हर्ट्ज से कम या अधिक फ्रीक्वेंसी आती है। 50 हर्ट्ज की कम या फ्रीक्वेंसी आने का मतलब ये है कि वोल्टेज और धारा के बीच में क्या होता है, अंतर ज़्यादा आने लग जाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिसेबल होने लग जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव होने लग जाता है। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स ही रहती है, ठीक है। और ये फिक्स वैल्यू इसमें दे रखी है, 50 हर्ट्ज होती है। हमारे जो भारत में जितने भी उपकरण बनाए जाते हैं वो इसी फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं समय अंतराल की। समय अंतराल क्या होता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई ऐसी सर्किट है उसमें एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लगा है, ठीक है। कोई सर्किट है उसमें एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लगा है, यानी कि ऐसी सर्किट है उसमें एक चक्कर कोई भी साइकिल पूरा कर रही है, यानी कि कोई भी करंट है या फिर वोल्टेज वो क्या कर रही है, अपना एक पूरा चक्कर पूरा करिए, तो उसको पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड यानी कि समय अंतराल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स हम, टाइम पीरियड यानी कि समय अंतराल बोलते हैं। इसका क्या फॉर्म होता है फ्रेंड्स, टी बराबर वन अपॉन में एफ, टी बराबर वन अपॉन एफ, यानी कि टी बराबर एक बटा एफ, एफ इसमें क्या होती है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का समय अंतराल कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आईटी के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति का समय अंतराल कितना होता है। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना कितना होता है, 0.02 सेकेंड होता है, ठीक है। कितना होता है, 0.02 सेकेंड होता है, ठीक है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति का जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 0.02 सेकेंड होता है, ठीक है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, इसमें फ्रेंड्स निकालना भी मैंने आपको बताया आगे कैसे निकालते हैं। टी बराबर एक बटा पचास, फ्रीक्वेंसी वैल्यू की दे रखी थी हमारे, एक बटा पचास,
तो यानी कि हमारे पास कितना आएगा आंसर 0.02 सेकेंड। यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 0.02 सेकेंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ तो है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टार पॉइंट भी लगाया आपको। ठीक है, तो ये जो समय रहता है ये क्या है, नियत है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी भी नियत है। ठीक है, यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का समय अंतराल कितना होता है, 0.02 सेकेंड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, अगर मैं क्या कर दूं फ्रेंड्स, फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज कर दूं, 50 की मैंने क्या कर दी 60 हर्ट्ज करती है, तो क्या होगा समय अंतराल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि समय अंतराल क्या हो गया 1/60 यानी कि 0.01 सेकेंड, यानी कि समय अंतराल क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ता है, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ता है यानी कि फ्रिक्वेंसी किसके विद्युत क्रमानुपाती होती है, समय के होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी किसके विद्युत क्रमानुपाती होती है, समय की। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो समय अंतराल क्या होता है फ्रेंड्स कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ता है तो समय अंतराल क्या होता है कम होता है, क्योंकि एक दूसरे की क्या है विद्युत क्रमानुपाती होती है। जब भी कोई राशि फ्रेंड्स विद्युत क्रमानुपाती होती है तो उसमें अगर एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ क्या होती है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, अगर वही समानुपाती हो तो क्या होती है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ भी क्या होती है बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या है अगर आवर्ती बढ़ाए तो समय अंतराल क्या होता है फ्रेंड्स कम होता है। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, यहाँ पर जैसे हमारे पास में दे रखा था आपको, ऊपर देखिए यहाँ पर हमारा जब 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज थी, तो हमारा समय अंतराल कितना आया था 0.02 सेकेंड है। ठीक है, अब मैंने आवर्ती क्या कर दी बढ़ा दी है, जब मैंने आवर्ती बढ़ा दी तो समय अंतराल क्या हो गया मेरा 0.02 से 0.01 आ चुका है, जो कि क्या है समय अंतराल कम हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ बताई है कि आवर्ती का मान बढ़ने पर क्या होता है समय अंतराल कम होता है, और आवर्ती का मान बढ़ने पर क्या होता है समय अंतराल बढ़ जाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो थम्सअप ज़रूर कीजिएगा, थम्सअप यानी कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें फ्रेंड्स मैंने आपको एक न्यूमेरिकल और दिया है, अगर फ्रिक्वेंसी का मान अगर 30 हर्ट्ज हो जाए यानी फ्रिक्वेंसी क्या होगी कम होगी, तो समय अंतराल ज्ञात करो तो क्या होगा T/1/f यानी कि 1/30 यानी कि 0.03 सेकेंड। यानी कि फ्रेंड्स जब फ्रिक्वेंसी का मान कम होता है, ठीक है, जब फ्रिक्वेंसी का मान कम होता है तो क्या हो गया समय अंतराल बढ़ गया। जब फ्रेंड्स बात हो रही थी जैसे मैंने आपको बताया था एक सूत्र के रूप में, मैंने पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में से आप देखिए, ठीक है, जैसे ये हमारे पास में था, जैसे 50 हर्ट्ज जब फ्रिक्वेंसी थी, जब 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी थी तो समय अंतराल कितना आया था 0.02 सेकेंड आया था। अब फ्रिक्वेंसी क्या होगी 60 कर दी, 50 से मैंने कितनी कर दी 60 कर दी, तो समय अंतराल कितना हो गया 0.01 हो गया। ठीक है, 0.01 हो गया यानी कि समय अंतराल क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी क्या हो रही 30 हो रही, पहले उसमें क्या हो रही थी कि 50 से कितनी हो रही थी वो 60 हो रही थी, 60 होने से क्या होता है समय फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी तो समय अंतराल कितना हो गया कम हो गया। ठीक है, 0.01 हो गया। अब यहाँ पर मैंने फ्रिक्वेंसी 50 से घटाकर 30 कर दी तो समय अंतराल जो था 0.03 सेकेंड हो चुका है, यानी कि समय अंतराल क्या हो गया बढ़ गया। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का समय अंतराल कितना होता है 0.02 सेकेंड होता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी जब मैंने 30 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जब मैंने कम कर दी तो समय अंतराल क्या हो गया ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको फ्रिक्वेंसी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे से समझ में होगा। ठीक है, तो ये आप चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं आयाम की। आयाम क्या होता है फ्रेंड्स, धारा अथवा वोल्टेज जो होती है, ठीक है, अपने एसी सर्किट में जो धारा या वोल्टेज होती है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव दिशा में जो माध्य स्तर के सापेक्ष जो अधिकतम मान होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, आयाम कहलाता है। माध्य की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स धारा और जो वोल्टेज होती है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव दिशा में जो माध्य स्तर के सापेक्ष जो अधिकतम मान होता है, माध्य स्तर का मतलब फ्रेंड्स मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बात करूँ कि हम अलग अलग चीज़ों को क्या निकालते हैं माध्य निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ तो फ्रेंड्स जैसे हम माध्य की बात करते हैं, माध्य के मार अगर मैं बात करता हूँ तो माध्य क्या होता है, जैसे आपको 3 करंट दे रखी है I1 I2 I3, तो इनका जो एवरेज निकालते हैं वो क्या होता है फ्रेंड्स माध्य स्तर होता है, यानी कि उसको हम औसत स्तर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो माध्य स्तर के सापेक्ष जो अधिकतम मान होता है उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं आयाम बोलते हैं। जैसे मैंने आपको आप आयाम बता रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये इसका क्या है माध्यम स्तर के सापेक्ष क्या है ये मान है। जैसे ये मैंने मान लो यहाँ पर लिए माध्यम स्तर के, ये माध्यम स्तर का मेरा क्या है अधिकतम मान है। ठीक है,
माध्य स्तर का ये मेरा क्या है, अधिकतम मान। तो इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव दिशा में अधिकतम मान था माध्य स्तर के सापेक्ष, और ये क्या नेगेटिव दिशा में इसका क्या है, अधिकतम मान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो माध्य स्तर के सापेक्ष जो अधिकतम मान होता है उसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, हम आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं तात्कालिक मान की। तात्कालिक मान का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि यह धारा अथवा वोल्टेज का क्या होता है, किसी भी क्षण पर मापा गया जो मान होता है, किसी भी क्षण पर हम क्या मान रहे हैं, मान माप रहे, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, तात्कालिक मान होता है। जैसे कि तात्कालिक मान मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है, तात्कालिक मान ये भी हो सकता है, जैसे I1, I2, I3, तो ये क्या हो सकता है, तात्कालिक मान हो सकता है। कैसे, कि किसी भी क्षण पर हम क्या कर रहे हैं कि करंट की वैल्यू मान रहे हैं कि इस क्षण पर मेरी करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, इस क्षण पर मेरी 3 एम्पियर है, इस क्षण पर मेरी 1 एम्पियर है, तो किसी भी क्षण पर हम जो मान माप रहे हैं तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, तात्कालिक मान होता है। जैसे कि तात्कालिक मान को अगर मैं और अधिक डीपली समझाऊँ, तो तात्कालिक मान ऐसे भी समझ सकते हो कि आप गाड़ी का ऑडोमीटर लेते हैं, जो गाड़ी का जो मीटर होता है, ठीक है, तो उसमें जो स्पीड बताता है वो क्या बताता है, तात्कालिक वैल्यू की बताता है, जो जिस टाइम अपनी गाड़ी की एक्चुअल जो स्पीड होती है वही बताता है उसमें। तो किसी भी क्षण क्या होती है, उसकी स्पीड जो होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, तात्कालिक मान बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स तात्कालिक मान का मतलब यही होता है, किसी भी क्षण क्या ले लो, वोल्टेज और धारा का जो मान ले लो, वो क्या होता है फ्रेंड्स, तात्कालिक मान होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिखर मान की। शिखर मान क्या होता है फ्रेंड्स, ये धारा अथवा वोल्टेज का क्या होता है, किसी भी दिशा मापा गया क्या होता है, अधिकतम मान होता है। ठीक है, धारा अथवा वोल्टेज का क्या होता है, किसी भी दिशा मापा गया क्या होता है, अधिकतम मान होता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स पहले मैंने बात बता दी आपको एम्पलीट्यूड की, मैंने आपको नीचे डायग्राम भी बना के बताया। ठीक है, शिखर मान में क्या होता है कि जो किसी भी दिशा में हम क्या नापते हैं, मान मापते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, शिखर मान होता है। यानी कि मैं बात करूँ इस पॉइंट पर, यानी कि मैं बात करूँ करंट के इस पॉइंट पर क्या होता है, अधिकतम जो मान होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम पीक वैल्यू यानी कि शिखर मान बोलते हैं। ये हमारे क्या एसी की क्या चल रही, वेव चल रही, ठीक है, ये हमारे पास क्या चल रही, एसी की एक वेव चल रही, ठीक है, ये हमारे एसी की वेव चल रही। ठीक है, तो ये इसका इस क्षण क्या होगा, अधिकतम मान होगा यहाँ पर। ठीक है, किसी भी क्षण क्या मान रहे हैं आप, अधिकतम मान माप रहे हैं, तो वो क्या होता है, पीक वैल्यू होती है। एम्पलीट्यूड में क्या होता है कि इन चीज़ों का जो माध्य स्तर होता है, यानी कि इनका क्या निकालता है, एवरेज जो निकालता है, यानी कि ये जो चीज़ होती है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम बोलते हैं। ठीक है, आयाम और एम्पलीट्यूड ऐसे देखा जाए तो एक ही चीज़ होती है, लेकिन अलग अलग होती है। ठीक है, शिखर वैल्यू में क्या होती है कि अधिकतम मान ही होता है खाली, शिखर वैल्यू में क्या होती है कि अधिकतम मान, यानी कि किसी भी समय जो अधिकतम मान हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू का जो अधिकतम मान होता है वो क्या होता है, इसकी शिखर मान होता है, यानी कि पीक वैल्यू होती है। एम्पलीट्यूड में क्या होता है कि माध्य स्तर जो होता है, जैसे माध्य स्तर मतलब क्या होता है कि I1, I2 और I3, ठीक है, तो इन तीनों करंट का जो माध्य स्तर होगा, यानी कि अधिकतम जो वैल्यू होगी इनकी, यहाँ पर है अधिकतम वैल्यू, तो उसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आपको एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू यानी कि शिखर मान और आयाम में डिफरेंस अच्छे से समझ में होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू की। औसत मान फ्रेंड्स क्या होता है कि धारा अथवा वोल्टेज का आधे चक्कर में जो तात्कालिक मान होता है उनका औसत क्या कहलाता है फ्रेंड्स, औसत मान कहलाते हैं। औसत फ्रेंड्स हमने छोटी क्लास में निकाल सिखाई था कि औसत कैसे निकलता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। औसत क्या होती है, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या होती है। तो यहाँ पर औसत की जो बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है कि धारा अथवा वोल्टेज का आधे चक्कर में जो तात्कालिक मान होता है उनका औसत क्या होता है, औसत मान होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आधा चक्कर क्यों बोला है, पूरा क्यों नहीं बोला है, उसका भी रीजन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बार यही ध्यान रखना है कि आधे चक्कर में जो होता है, यानी कि वोल्टेज या करंट का आधे चक्कर में जो तात्कालिक मान होता है, तात्कालिक मान कौन सा होता है, I1, I2, I3, ठीक है, डैश डैश करके IN, यानी कि कितनी भी करंट हो सकती है, उनका क्या करना, औसत निकालना, वो क्या होता है, औसत मान होता है। यानी कि तात्कालिक मान जो तात्कालिक मान के I1, I2, इनका सबका क्या करना, औसत निकालना, क्या कराता है, औसत वैल्यू कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो औसत कैसे निकलता है कि राशियों का योग, राशियाँ कौन कौन सी, तात्कालिक मान ही होगी। ठीक है, तो तात्कालिक मान हमारे को दे रखे है I1, I2, I3 अपॉन में जितनी संख्या है, यानी कि जितनी राशि दे रखी है उतनी, एन मतलब क्या है, यहाँ पर संख्या है। ठीक है, जितनी राशियाँ दे रखी है उस हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट आके बात कर लेते हैं आई एवरेज बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, 0.637। ये फ्रेंड्स क्या चीज़ होती है आई एवरेज बराबर, ये हमारे की औसत मान की वैल्यू है। ठीक है, ये औसत मान की वैल्यू है। ठीक है, कितनी होती है, 0.637 आई मैक्सिमम होती है। ठीक है, आई मैक्सिमम यानी कि धारा का अधिकतम मान। ठीक है,
तो अगर हमारे से पूछ ले कि धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 0.637 आई मैक्सिमम होता है। अगर हमारे पूछ ले कि वोल्टता का औसत मान कितना होता है, तो वो होता है 0.637 वी मैक्सिमम। आपको साथ में वी मैक्सिमम भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि धारा का औसत मान कितना होता है, तो वो कितना होता है फ्रेंड्स, 0.637 होता है, ठीक है। और वोल्टेज का औसत मान कितना होता है, 0.637 होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि औसत मान आधे चक्कर का क्यों निकालते हैं और पूरे चक्कर का क्यों निकालते हैं। फ्रेंड्स औसत चक्कर केवल हमेशा क्या निकलता है, हाफ साइकिल का ही निकलता है। जैसे मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी क्या है, ये हमारी एसी की एक वेव है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या लिया, आई वन आई टू करंट ले रखी है मान लो, ठीक है। आई वन आई टू करंट ले रखी है यहाँ पर, मान लो ये इसकी तात्कालिक वैल्यू है दोनों की, ठीक है। आई वन आई टू दो वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो हाफ साइकिल है, औसत वैल्यू में खाली हाफ साइकिल को, ये यहाँ पर की क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है और ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू। या तो हम इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, दोनों में से हमारे को एक लेना पड़ेगा। दोनों क्यों नहीं ले सकते, अगर दोनों का जब लेते हैं तो क्या होता है, औसत वैल्यू हमेशा जीरो आती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब पूरे चक्कर का औसत मान निकल जाता है, जब वोल्टेज या करंट का, जब पूरे चक्कर का जब हम एवरेज निकालते हैं, वो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, शून्य होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि औसत मान केवल हाफ साइकिल का ही निकाल जाता है, पूरे चक्कर का औसत मान कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं वर्ग माध्य मूल मान की। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपको ये इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में इंग्लिश नाम भी आ जाता है, रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसका जो प्रचलित नाम है, जो कि एग्जाम पूछा था, वो है इसका आरएमएस मान होता है, ठीक है। आरएमएस मान जो होता है वो क्या होता है, मूल मान होता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी मान भी बोलते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ठीक है। कि वर्ग माध्य मूल मान को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आरएमएस वैल्यू यानी कि आरएमएस मान भी कहते हैं, ठीक है। और प्रभावी मान किसको बोलते हैं, ये भी वर्ग माध्य मूल मान को ही बोलते हैं। तो वर्ग माध्य मूल मान का एक नाम क्या है, आरएमएस वैल्यू है, और दूसरा नाम क्या है, इसका प्रभावी मान है। तो एग्जाम में फ्रेंड्स इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभावी मान किसे कहते हैं, प्रभावी मान किसे कहते हैं, ऑप्शन दिया था, वर्ग माध्य मूल मान को कहते हैं, औसत वैल्यू कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। तो वर्ग माध्य जो मूल मान उसको उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम प्रभावी मान कहते हैं, ठीक है। प्रभावी मान को आरएमएस मान भी कहते हैं, ठीक है। अब प्रभावी मान निकालते कैसे वो हम देख लेते हैं कि तात्कालिक मान जो होते हैं, यानी कि ये हमारे के आई वन आई टू आई थ्री, ठीक है, इन तात्कालिक मानों का वर्ग करके, ठीक है, जो हमारे को तात्कालिक मान दे रखा है, जैसे मान लो करंट के दिए तो आपको वोल्टेज की भी दे सकते हैं, ठीक है। तो करंट के जो तात्कालिक मान, इनका क्या करना, वर्ग निकाल के क्या करना, औसत निकाल देना, ठीक है। इनका आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर आई थ्री, इनका स्क्वायर करके क्या निकाल देना, औसत निकाल देना, यानी कि हमने क्या लगा है, रूट निकाल रखा है, क्योंकि हमारे को क्या पूछ रखा है, वर्ग माध्य मूल मान दे रखा है। तो वर्ग माध्य मूल मान, माध्य मतलब क्या होता है, औसत ही होता है, तो यहाँ पर एक चीज़ आ गई, ठीक है, औसत निकालना, यानी माध्य का मतलब क्या होता है, औसत निकालना ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो आई वन आई टू आई थ्री, इनका क्या है, स्क्वायर करके क्या करना है, औसत निकालना है, ठीक है, और अंडर रूट है। तो इससे हमारी क्या आ जाती है, आई आर एम एस वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं आई आर एम एस वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, 0.707 होती है। फ्रेंड्स आप अगर चाहें तो मैं आपको नोट्स अवेलेबल भी करा सकता हूँ, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको नोट्स सही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसकी पीडीएफ की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप चाहे तो खुद इसको सेल्फ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स खुद भी बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि वर्ग माध्य मूल मान की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। आई आर एम एस जो वैल्यू होती है, यानी कि धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, आई आर एम एस का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि करंट का रूट मीन स्क्वायर, यानी कि आई आर एम एस कितना होता है, 0.707। ये चीज़ें फ्रेंड्स फिक्स है, हमारे को याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, तो कितना होता है फ्रेंड्स, 0.707 होता है। अगर वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान पूछते तो वो कितना होता है, 0.707 ही होता है,
ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीक फैक्टर या फिर क्रेस्ट फैक्टर की। पीक फैक्टर क्या था फ्रेंड्स? धारा अथवा वोल्टेज का शिखर मान और जो प्रभावी मान होता है, यानी कि फ्रेंड्स मैं बात करूँ शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू की, और प्रभावी मान यानी कि आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू यानी कि प्रभावी मान, और शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू। ठीक है, शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू, प्रभावी मान यानी कि आरएमएस वैल्यू। तो इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? पीक फैक्टर। यानी कि धारा और वोल्टेज में क्या होते हैं? धारा या फिर वोल्टेज कोई भी एक चीज़ हो सकती है, तो उसमें क्या होता है? शिखर मान और जो प्रभावी मान का जो अनुपात होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? पीक फैक्टर होता है। फ्रेंड्स आपको ये डेफिनेशन है खुद सेल्फ याद रखनी पड़ेगी, इनकी कोई ट्रिक नहीं फ्रेंड्स। एग्जाम में सीधी डेफिनेशनों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि पीक फैक्टर किसका अनुपात होता है? तो शिखर मान और प्रभावी मान का अनुपात होता है। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट ये हमारे को डेफिनेशन में याद ही रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि पीक फैक्टर का सूत्र क्या होता है। तो पीक फैक्टर सूत्र क्या होता है कि शिखर मान और प्रभावी मान का जो अनुपात है वो क्या होता है? पीक फैक्टर होता है। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स? 1.414 होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स? 1.141, ठीक है, यानी कि रूट दो। पीक वैल्यू की जो मान होता है वो कितना होता है? रूट दो ही होता है, ठीक है। चाहे आई मैक्सिमम के रूप में लो, चाहे वी मैक्सिमम के रूप में लो, ठीक है। तो इसका मान फिक्स होता है 1.414, यानी कि रूट दो होता है, ठीक है। क्योंकि 1.414 किसके बराबर होता है? रूट दो के बराबर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लास्ट टर्म की, जो है हमारे पास में फॉर्म फैक्टर, ठीक है। फॉर्म फैक्टर फ्रेंड्स क्या होता है कि यह क्या होता है? धारा अथवा वोल्टेज का, यह क्या होता है? धारा अथवा वोल्टेज का प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात होता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स? प्रभावी मान यानी कि आरएमएस वैल्यू, ठीक है। प्रभावी मान का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? आरएमएस वैल्यू, और औसत मान यानी कि आई एवरेज वैल्यू, ठीक है। यानी कि प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात क्या होता है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। जो धारा का और वोल्टेज का, धारा या वोल्टेज का जो प्रभावी मान है यानी कि आरएमएस वैल्यू, और औसत मान जो है यानी कि एवरेज वैल्यू, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है फ्रेंड्स? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फॉर्म फैक्टर की वैल्यू की। तो फ्रेंड्स फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1.11 होती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, कितनी होती है? 1.11 होती है, ठीक है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 1.11 होती है, ठीक है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 1.11 क्या होती है? फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।